नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन मेड 6 और 716 सेकेंड जनरेशन असॉल्ट राइफल के बारे में। इंडियन आर्मी की तरफ से इस राइफल को पिछले साल दिसंबर में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत खरीदा गया था। इंडियन आर्मी ने ऐसे 72,000 राइफल को ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी अभी जाकर पूरी हो चुकी है। शुरुआत में इस राइफल को इंडियन आर्मी के फ्रंटलाइन ट्रूप्स को देने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इंडियन आर्मी द्वारा इस राइफल को सभी इन्फेंट्री ट्रूप्स को देने का फैसला किया गया है। इंडियन आर्मी में अभी के समय में 400 बटालियंस मौजूद हैं और हर बटालियन में 4 से 6 कंपनियां होती हैं। इंडियन आर्मी के हर बटालियन के कम 2 कंपनियों को इस राइफल से इक्विप करने वाली है। आने वाले समय में इस राइफल को और कितनी संख्या में खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा, ये बात अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि AK-203 के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अभी भी रूस से बात चल रही है, जो कि AK-203 के प्राइस नेगोशिएशन पर आकर अटक चुकी है। रूस की तरफ से AK-203 के हर यूनिट पर 6,000 रुपये का मार्जिन रखा जा रहा है और इसी बात को लेकर भारत और रूस के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो भारत भविष्य में 6 और 716 को और भी अधिक संख्या में ऑर्डर कर सकता है और इससे 7,00,000 AK-203 राइफल यूनिट्स की संख्या में कटौती की जा सकती है। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी कर देना सही नहीं रहेगा। वैसे AK-203 पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आपको AK-203 राइफल से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करें अगर 6 और 716 सेकेंड जनरेशन असॉल्ट राइफल की, तो ये राइफल AK-203 से ज़्यादा खतरनाक है और इंडियन आर्मी द्वारा इस राइफल के परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही इसे ऑर्डर किया गया था। इस राइफल का लो कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट इसे मिलिट्री ऑपरेशन और बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए सूटेबल बनाती है। 6 और 716 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस राइफल का कुल वजन 3.82 केजी का है, बिना किसी एक्सटेंशन और एक्सेसरीज के। अगर बात करें इसमें लगने वाले एमुनेशन की, तो इसमें 7.62x51mm के कैलिबर का इस्तेमाल होता है। इस असॉल्ट राइफल का टोटल लेंथ 37.4 इंच है, जिसमें बैक स्टॉक के लेंथ को भी शामिल किया गया है। इस राइफल की खास बात यह है कि इस राइफल के बैक स्टॉक को एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बैरल की लंबाई 16 इंच है और इसके एक स्टैंडर्ड मैगजीन में 20 राउंड के एमुनेशन की कैपेसिटी होती है और इस राइफल का इफेक्टिव रेंज 600 मीटर्स का होता है। अगर इस राइफल में लगने वाले एक्सेसरीज की बात करें तो इस राइफल को अपने ज़रूरत के हिसाब से ढालने के लिए वैरायटी ऑफ एक्सेसरीज को लगाया जा सकता है, जिसमें सप्रेसर, थंब ग्रिप, गन स्टैंड, स्कोप, रेड डॉट, थर्मल साइट जैसे और भी कई एक्सेसरीज को लगाया जा सकता है। ये एक हाई परफॉर्मेंस राइफल है, जिसे किसी भी वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।